मध्य प्रदेश का एक शहर है महेश्वर। यहाँ एक सोने का झूला है जिसे चुराकर भाग रहे चोर अचानक अंधे हो गए थे। जब चोरों को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि कोई दिव्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी। इसकी वजह से वो झूले को चुरा कर नहीं ले जा सके। इस झूले को महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई भगवान को बहुत मानती थी। उनका अपना एक पूजा घर था। इस पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सोने का झूला बनवाया था। झूले के पास पारद शिवलिंग भी है जो चांदी पारे और जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। झूला चोरी की ये कहानी इसी जगह की है। इतिहासकार बताते हैं कि डाकू सबसे पहले नदी किनारे आए। वहां किले की पुश्तैनी ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए घोड़पड़, जो कि एक गिरगिट प्रजाति का जानवर होता है, उसकी पूंछ में रस्सी बांधकर राजवाड़ा किले के अंदर घुस गए और पूजा घर में रखा स्वर्ण झूला चुरा लिया। जब वो सोने का झूला लेकर जाने लगे तो रास्ते में उन सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तब चोरों ने स्वर्ण झूले को महेश्वर की सीमा पर ही जमीन में गाड़ दिया और वहां से भाग निकले। फिर कुछ दिन बाद चोरों को पकड़ा गया और उनके बताने के बाद जमीन से झूले को बाहर निकाला गया। चोरी की इस घटना में झूला क्षतिग्रस्त हो गया था। तब क्षेत्र में ही रहने वाले नासिक के कारीगरों ने राज्य के सैनिकों की निगरानी में पुराने झूले को गलाकर नया झूला तैयार किया। इस खास और कीमती झूले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दिन में पूजा घर खुला रहता है। सुरक्षा को देखते हुए झूले और मूर्तियों को हाथ लगाना मना है। फोटो और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा है। अहिल्याबाई के बाद से खासगी ट्रस्ट इस पूजा घर की देखरेख कर रहा है। पूजा घर में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार और पुजारी मौजूद रहते हैं। विशेष दिनों में अहिल्याबाई के वंशज यहां पूजा करने आते हैं।